मैंने आपको बताया है कि टेस्ट हमें परफॉर्म करने हैं एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के, कि आपको वो लैब में शुगर देंगे। और मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो सॉल्ट्स हैं या शुगर्स हैं जो वाइट कलर में हैं, वो हम उनको देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी शुगर है या कौन सा सॉल्ट है, तो हम टेस्ट करके बताते हैं। अब वो आपको शुगर देंगे और आपको बताएंगे कि आप हमें बताएं कि एल्डिहाइड है या ये कीटोन है, ये हमें नहीं पता, वो नहीं बताएंगे। अब आपको जैसे पता है कि ग्लूकोज जो है वो एडो शुगर है और फ्रक्टोज क्या है, कीटो शुगर है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन आपको वो शुगर देंगे, आपको वो ये नहीं बताएंगे कि ये ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है। आपने खुद बताना है कि ये ग्लूकोज है या फ्रक्टोज शुगर है और टेस्ट परफॉर्म करना है। उसके लिए हम फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं और टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 सेंटीमीटर क्यूब फैलिंग सॉल्यूशन ए और 3 सेंटीमीटर क्यूब फैलिंग सॉल्यूशन बी ले लेना है, ठीक। उसके बाद हमने ग्लूकोज का या कोई भी शुगर जो उन्होंने दी है उसका आपने 3 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना लेना है। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे जेंटली हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब के ऊपर। जब आपने हीट करना है तो आपने डायरेक्ट जो है ये सॉल्यूशन इस पर टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट जो है वो बर्नर के ऊपर नहीं रखना, आप इसको रखें और आप इसे जेंटली जरा थोड़ा सा मूव करते रहें ताकि कॉन्स्टेंट हीटिंग होती रहे इस तरह से। फिर क्या होगा, जब हम इसे हीट करेंगे तो ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर वो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम कहेंगे ये एल्डिहाइड है, और अगर वो प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा तो हम क्या कहेंगे, ये कीटोन शुगर है। हाँ, कीटोन है। आप ये बर्नर ऑन करें, ये सॉल्यूशंस को वहाँ पे रख लें। बर्नर को ऑन करें, ध्यान से कहिए, बाय नहीं गिरे।